आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले OnePlus ने जो है OnePlus Nord अपना लॉन्च किया था, काफी ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट की गई थी यूट्यूबर्स के थ्रू भी और OnePlus वालों के थ्रू भी। ऐसा कहा गया था कि हमको OnePlus का जो एक फ्लैगशिप फोन जो है 30,000 रुपीज के आसपास जो है देखने के लिए मिलने वाला है, तो काफी सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। और उसी के चक्कर में, वही हाइप के चक्कर में, मैंने OnePlus Nord जो है फर्स्ट सेल में 30,000 रुपीज का परचेस कर लिया था। 12GB रैम और 256GB जो है वेरिएंट। मेरा मेन मकसद था पबजी खेलना, आप सबको मालूम पबजी के लिए मैंने उसको जो है 12GB रैम और 256GB वेरिएंट परचेस किया था। मैंने जो है सबसे बड़ी गलती कर दी थी, 30,000 रुपये मैंने जो है OnePlus Nord के लिए दे दी थी। और ऐसे ही जो है अभी OnePlus Nord 2 आया है, उसी की जो इसी तरीके की हाइप क्रिएट की गई है और अभी जो ये भी जो है 30,000 रुपीज के आसपास आए। मैंने जो गलती की थी वो आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। OnePlus Nord 2 अगर आप लेने की सोचे तो वीडियो को जरूर देखना। अभी देखा गया तो OnePlus Nord 2 30,000 रुपए का, और इसी के कंपटीशन की मैं बात कर दूं iPhone XR आता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि iPhone XR जो है 3 साल पुराना, लेकिन स्टिल जो है अभी तक वो स्टैंड करता है OnePlus Nord 2 के आसपास। देखते हैं गाइस आपके लिए कौन सा फोन जो है बेस्ट रहेगा। OnePlus Nord 30,000 रुपए का, Nord 2 जो 30,000 का आता है और iPhone XR 38 में आता है सेल्स वगैरह में देखेंगे तो। अगर आपके पास कार्ड वगैरह लगाएंगे तो 36 तक भी जो है आपको iPhone XR जो है मिल जाता है, तो दोनों का जो है 6,000 रुपए का प्राइस गैप है। कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोसेसर किसमें अच्छा है, परफॉर्मेंस किसमें अच्छी आपको मिलेगी, जो है गेम्स वगैरह BGMI किसमें आप अच्छी तरीके से खेल पाएंगे, सब चीज़ के बारे में जो है मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या आपको OnePlus Nord 2 लेना चाहिए, जो है iPhone XR लेना चाहिए, आपकी जो भी डाउट्स है आज की वीडियो में जो है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। OnePlus Nord मेरे पास रखे हुआ है जिससे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट जो है OnePlus Nord और OnePlus Nord 2 में सब चीज़ सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है प्रोसेसर के अंदर, थोड़ी बैटरी के अंदर। तो वही चीज़ जो है मैं बात करने वाला हूँ कि OnePlus Nord 2 आपको लेना चाहिए या iPhone XR लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की। देखिए जब भी हम कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले इसके लुक्स वगैरह ही देखते हैं, उसका डिजाइन वगैरह ही देखते हैं, देन जो है बाकी के जो स्पेसिफिकेशन है वो देखते हैं। दोनों फोन में आपको फ्रंट और बैक में ग्लास मिल जाता है और साइड जो है दोनों के अलग अलग है। iPhone XR में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने के लिए मिलता है और OnePlus Nord 2 में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने के लिए मिलता है। दोनों फोन देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन गाइस अगर मैं प्रीमियमनेस की बात करूं, अगर इस दोनों फोन को होल्ड करेंगे हाथ में तो देन जो है iPhone XR थोड़ा सा आपको प्रीमियम दिखेगा। फ्रंट और बैक में ग्लास होने की वजह से लुक जो है काफी अच्छा दिखता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो कैमरा डिजाइन है OnePlus Nord 2 का iPhone 11 से वगैरह से जो कॉपी किया है, OnePlus 9R हो गया, OnePlus 9 Pro हो गया, उसको जो कैमरा डिजाइन है वो iPhone 11 से ही कॉपी किया है, लेकिन स्टिल गाइज यहाँ पे मेरे को जो डिजाइन है उसका OnePlus Nord 2 का थोड़ा सा अच्छा दिखा कंपेयर टू iPhone XR। यहाँ पे गाइज मैं लुक्स की बात करूँ तो iPhone XR का जो लुक है उतना खास नहीं है कंपेयर टू OnePlus Nord 2, लेकिन फील की बात करूँ तो OnePlus Nord 2 के मामले में iPhone XR काफी अच्छा आपको जो है देखने के लिए मिलेगा और काफी ज्यादा प्रीमियम में दिखता है अगर आप उस फोन को हाथ में होल्ड करते हैं तो। वेट की बात कर लेते हैं, iPhone XR 194 ग्राम का आता है और OnePlus Nord 2 जो है 189 ग्राम का आता है, थोड़ा बहुत ही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और एक डिफरेंस है दोस्तों, OnePlus Nord 2 में आपको कोई भी IP रेटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन iPhone XR में आपको IP रेटिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि IP67 की डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट आता है। 1 मीटर के पानी में 30 मिनट तक iPhone XR को आप पानी में रख सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत पानी चले जाता है तो देन जो वो हैंडल कर सकता है, लेकिन OnePlus Nord 2 को आप पानी वगैरह में नहीं ले जा सकते, तो ये एक जो है डाउनसाइड हो सकता है। तो गाइज डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ लोग के लिए जो है डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है। अगर आप डिस्प्ले के शौकीन है ऑफकोर्स लिए दोस्तों OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमको 6.4 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है विद 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहाँ पे HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। Netflix वगैरह पे, Amazon वगैरह पे स्ट्रीमिंग करते हैं देन जो है वो काम नहीं करता है, YouTube वगैरह पे जो है HDR 10 प्लस जो है काम करता है। वही मैं बात करूँ iPhone XR की तो उसमें आपको 6.1 इंचेस की लिक्विड रेटिना HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, एक LCD डिस्प्ले दोस्तों। अगर आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, ज़्यादा आप जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं,
गेमिंग वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है कलर्स के मामले में, सैचुरेशन के मामले, सब चीज़ में दोस्तों OnePlus Nord 2 का जो डिस्प्ले वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको परफॉर्म करके देगा। नो डाउट दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है देन जो है OnePlus Nord 2 ही के लिए ही आप जाना। ऐसा नहीं कि iPhone XR का डिस्प्ले ख़राब है, LCD डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन गाइस स्टिल यहाँ पे AMOLED होने की तरफ से थोड़ा जो है बेटर काम करके आपको देगा OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले। अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूँ OnePlus Nord 2 में आपको 90 हर्ट्स मिलता है और iPhone XR में आपको 60 हर्ट्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको कभी भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि iOS का जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो स्मूथ एक्सपीरियंस दोस्तों वो काफ़ी अच्छा होता है। OnePlus Nord में भी जो 90 हर्ट्ज़ आता है, मेरे पास OnePlus Nord भी है, iPhone XR भी, दोनों को मैं जब साइड बाय साइड यूज़ करता हूँ तो मेरे को जो है कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। इनफैक्ट दोस्तों यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में iPhone XR बेटर काम करता है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के सामने में जब स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया। सिक्योरिटी की बात करें तो OnePlus Nord 2 में आपको जो है फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। iPhone XR में आपको फेस ID सेंसर देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पे गाइज आप मुझे बताइए कि आप जो है डिस्प्ले के अगर ज़्यादा शौकीन है तो कौन सा आप लेंगे, iPhone XR आप लेंगे डिस्प्ले के मामले में और OnePlus Nord 2 की। अगर मेरी बात करूँ तो OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद है, क्योंकि OnePlus Nord जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर भी जो है 90 हर्ट्ज और फ्लूड AMOLED डिस्प्ले ही आता है, तो मैं ये चीज़ जो है आपको बता सकता हूँ। तो गाइस सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों फोन में किसका सॉफ्टवेयर जो है अच्छा है, किसका जो है स्मूथली वर्क करता है। आप सबको मालूम iPhone में जो iOS आता है iPhone XR के अंदर, और OnePlus Nord 2 में आपको Android 11 मिलता है और Oxygen OS 11 भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँ, यूजर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डेफिनेटली दोस्तों कोई भी जो फ़ोन है Android का वो स्टैंड नहीं कर सकता iOS के सामने, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, उसके जो चीज़ें जो साथ में वो काम करता है जिससे मिल के कैमराज हो गए, परफॉर्मेंस हो गए, वो चीज़ जो है Android कभी भी जो है नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि iOS का जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकता, किसी भी से भी आप जो है पूछ लीजिए। अगर दोनों फ़ोन को साइड बाय साइड आप यूज़ करेंगे देन आपको पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस जो है हमको iOS के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे गाइस प्लस पॉइंट नहीं, फुल प्लस पॉइंट जो है मैं आईफोन को देना चाहूँगा, तो ये चीज़ जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोग के लिए। आईफोन टेन आर में आपको A12 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलते हैं जो कि 7nm की टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। OnePlus Nord 2 में आपको लेटेस्ट Dimensity 1200 देखने के लिए मिलता है जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आपको जो है डे टू डे लाइफ में उतना कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, दोनों जो प्रोसेसर है अपनी अपनी जगह सही है। आज भी दोस्तों 3 साल का प्रोसेसर Apple का A12 स्टैंड करता है इस प्रोसेसर के सामने। रैम एंड स्टोरेज की बात कर लेते हैं, iPhone XR में आपको 3GB रैम 64GB देखने के लिए मिलता है, OnePlus Nord 2 में आपको 8GB रैम 128GB और 12GB रैम 256GB वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे गाइस रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा मेरे को जो है iPhone XR का रैम मैनेजमेंट जो है बेस्ट सीखा। 3GB रैम होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से रैम मैनेजमेंट करता है iPhone XR। यहाँ पे OnePlus Nord जैसे मैंने बताया मेरे पास उसमें 12GB रैम आता है, दोनों को मैंने टेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा रैम मैनेजमेंट है दोस्तों iPhone XR यहाँ पे करके आपको देगा। ये लोग तो रैम बढ़ा देंगे दोस्तों, एंड्रॉइड में जो रैम बढ़ा देते हैं, कैमरा जो मेगापिक्सल वो बढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों जो एक्सपीरियंस है, जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उनकी, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं करते, जिससे वो रैम मैनेज भी दोस्तों ज़्यादा होने की वजह से अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता। 3GB रैम 2GB रैम 4GB रैम दोस्तों iPhones के लिए इनफ होता है। आज भी दोस्तों iPhone 12 में जो बेस वेरिएंट आता है उसमें भी आपको सिर्फ 4GB की रैम ही देखने के लिए मिलती है, और iPhone 11 में जो है 4GB की रैम ही आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लिया, कभी भी मेगापिक्सल और रैम के चक्कर में मत जाना। ये एंड्रॉइड में जो वो लोग हाइप क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग को क्या लगता है ज़्यादा मेगापिक्सल होगा तो जो है ज़्यादा हम जो है अच्छी तरीके से फोटोज़ वगैरह आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैमरा की बात करें तो एसएसएलआर यहाँ पे निकल गई है, तो iPhone XR में आपको सिंगल लेंस मिलता है जो कि 12 मेगापिक्सल के साथ में आता है। OnePlus Nord 2 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम। यहाँ पे गाइस फोटोज़ की मैं बात करूँ, ऑफकोर्सली iPhone जो है फोटोज़ के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे कुछ फोटोज़ मैं जो शो कर रहा हूँ, देखिए गाइज अगर आपको नेचुरल फोटोज़ वगैरह जो है चाहिए तो देन जो है iPhone XR हो गया, कोई भी iPhone हो गया, उसके नेचुरल फोटोज़ जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इमेज प्रोसेस वो करके आपको देगा, और उसकी जो क्वालिटी होगी iPhones की कैमरा की वो जो है
किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के सामने जो है स्टैंड नहीं करती। यहाँ पे OnePlus Nord का सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord की कैमरे की, तो सबसे घटिया कैमरा है OnePlus Nord 2 का। अभी लाइट्स वगैरह है तो अच्छा दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करेंगे दोस्तों उतना जो है आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord 2 का जो कैमरा थोड़ा इन्होंने यहाँ पे इम्प्रूव किया है। अगर आपको वाइडर फोटोज़ पसंद है, ब्राइटर फोटोज़ पसंद है, देन जो है आप OnePlus Nord 2 के कैमरे के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरल फोटोज़ पसंद है, देन जो है आप OnePlus की जगह जो आईफोन XR के लिए जो है जा सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो OnePlus Nord 2 में आपको 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है, और आईफोन XR में आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। आईफोन XR में आप 1080x60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, OnePlus Nord 2 में सिर्फ आप जो है 1080x30fps में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रियर कैमरे की बात करो तो आईफोन XR में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और OnePlus Nord 2 में आपको IEIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों जो फोन है जो है पोर्ट्रेट मोड ले, पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं, दोनों में आप स्लो मोशन वीडियोस ले सकते हैं। आईफोन XR 4K 60fps सपोर्ट करता है, OnePlus Nord 2 सिर्फ जो है 4K 30fps ही जो है सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, किसका कैमरा आपको पसंद आएगा, आईफोन XR का या OnePlus Nord 2 का। ब्राइटर फोटोज आप जो है लेना पसंद करेंगे या नेचुरल फोटोज लेना पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे बात करो तो मैं नेचुरल फोटोज जो है प्रीफर करूंगा। बैटरी की बात कर लेते हैं गाइस, आईफोन XR में आपको 2942mAh की बैटरी मिल जाती है, और OnePlus Nord 2 में आपको 4500mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। एक ट्विस्ट है दोस्तों यहाँ पे, OnePlus Nord जो है वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता OnePlus Nord 2, लेकिन आईफोन XR वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। OnePlus Nord 2 में आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है, और आईफोन XR में आपको सिर्फ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है देखने के लिए मिल जाती है। सिर्फ आधे घंटे में OnePlus Nord 2 जो 100% चार्ज कर देता है। अगर 5 वाट के चार्जर से हम आईफोन XR को चार्ज कर दे तो ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं। अगर 20 वाट के फास्ट चार्जर से जो है हम चार्ज कर दे तो 1.5 घंटे में 100% वो चार्ज करके दे देगा। बैटरी लाइफ की बात करो तो आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि OnePlus Nord के हिसाब से, OnePlus Nord 2 के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 200-300mAh का ये जो डिफरेंस है दोनों फोन के अंदर। यहाँ पे गाइस ऑप्टिमाइजेशन वजह से जो आईफोन की तरह की जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है डे टू डे लाइफ में। जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम है कम से कम जो है सुबह में अगर 12 बजे से यूज़ भी करता हूँ मैं, शाम में 6-7 बजे तक जो है निकाल के दे देता है। वही मैं OnePlus Nord की बात करूँ तो 2 बार से मेरा भाई जो चार्ज करता है, गेमिंग वो करता है, मैं गेमिंग नहीं करता। अगर गेमिंग करता हूँ तो देन जो है 4-5 घंटे वो मैक्सिमम दे सकता है। अगर आप हैवी ड्राइवर है तो देन जो आपको 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा, दिन में गेम्स वगैरह खेलते हैं देन जो है 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है, 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर हैवी ड्राइवर हो 4-5 नहीं 10-10 घंटे 9-9 घंटे गेम्स खेलते हैं देन जो है 3 बार भी आपको चार्ज करना पड़ सकता है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दो स्मार्टफोन के अंदर। आईफोन XR 4G सपोर्ट करता है, फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए या हार्डवेयर के जरिए आईफोन XR 5G सपोर्ट नहीं करेगा। OnePlus Nord 2 5G के साथ में आता है, उसके अंदर जो है 6 बैंड्स आते हैं अलग अलग। यहाँ पे गाइस लॉन्ग टर्म की बात करो, जब 5G आ जाएगा देन हम जो है OnePlus Nord 2 में 5G यूज़ कर पाएंगे, लेकिन कब आएगा वो अभी गारंटी नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 2-2.5 साल लग सकते हैं 5G इंडिया के अंदर आने के लिए, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ। लॉन्च होगा तो कुछ सेलेक्टेड एरियाज के अंदर पहले वो लगाएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरे ऑल इंडिया में वो जो है लोग स्प्रेड करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2-2.5 साल लग जाएंगे, शायद 2-2.5 साल के बाद आप अपना जो फ़ोन है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि जैसे OnePlus के फ़ोनस हो या एंड्रॉयड के फ़ोनस हो 1.5-2 साल के बाद तो चेंज करना ही पड़ेगा। ये एक सैड रियलिटी दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन की, 1-1.5 साल के बाद 2 साल के बाद वो हैंग और लैग होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों फ़ोन जो है डुअल सिम के साथ में आते हैं, आईफोन XR में एक फिजिकल सिम और एक जो है ई सिम आती है, और OnePlus Nord 2 में जो है 2 फिजिकल सिम्स आते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, आईफोन XR या OnePlus Nord 2। दोनों फ़ोन को आज से आप 2 साल ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आईफोन XR लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है, और 2 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि स्मूथ रन आप कर सकते हैं आईफोन XR के अंदर। वही मैं OnePlus Nord 2 की बात करूँ तो वही आपको मैं बोलना चाहूँगा, 1-1.5 साल के बाद वो हैंग होना स्टार्ट होते हैं, देन आपको अगला जो फ़ोन है वो चेंज करना ही पड़ेगा। शायद आप OnePlus Nord 3 भी ले सकते हैं या OnePlus Nord 4 भी आप जो उस टाइम पर अपग्रेड कर देंगे। देखिए भाई यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, दोनों जो फ़ोन है अपने अपने आप जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपको 5G को तो आप लाइट ले लो, 2-2.5 साल उसको लग जाएंगे देन आप फ़ोन तो चेंज कर देंगे। अगर आपको डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, 2 साल के बाद अपना फ़ोन आप चेंज करते हैं देन OnePlus Nord 2 आप ले सकते, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले इंपॉर्टेंट नहीं है आप थोड़ा बहुत जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते देन जो है आईफोन XR आपके लिए बेस्ट रहेगा।
हर चीज़ में आईफोन 10R बेस्ट है, कैमरा में, परफॉर्मेंस में, और जो है बैटरी लाइफ में, डिस्प्ले में भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही लगाव है डिस्प्ले से, ज़्यादा ही आप कंटेंट जो है कंज्यूम करते हैं, देन जो है आईफोन की जगह आप OnePlus Nord 2 लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कौन सा फ़ोन आप लेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आईफोन 10R या OnePlus Nord 2। अगला जो डिफरेंस, अगला जो कंपैरिजन वीडियो किस पे चाहते हैं, आईफोन 11 वर्सेस OnePlus Nord 2 चाहते हैं या आईफोन 12 वर्सेस OnePlus Nord 2 या आईफोन OnePlus 9R, जो भी चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ भी जो क्वेश्चन वगैरह रहा इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, ये रही आईडी, कुछ भी DM करके अपने जो पर्सनल क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।